मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश की राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बावजूद भी लोगों के आने जाने और एक जगह इकट्ठा होने के नियमों में दी जा रही ढील को लेकर आम आदमी सरकार की खिंचाई की है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में 4 में से 1 शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है और कोरोना वायरस ने देश की राजधानी के लगभग सभी घरों को निशाना बनाया है। दिल्ली इस समय कोरोना के भयानक कहर से गुजर रही है। नियमों में ढील दिए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जब दूसरे प्रभावित राज्य पाबंदी लगा रहे हैं तो दिल्ली सरकार नियमों में ढील क्यों दे रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक हालत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के इस फैसले को गरीबों पर चोट करने वाला और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला भी सही वक्त पर नहीं लिया गया जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर प्रवासियों का पलायन हुआ, साथ ही अर्थव्यवस्था को गहरी चोट भी पहुंची है। भारत और चीन के बीच महीनों से चल रहा सीमा विवाद आने वाले दिनों में सुलझ सकता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को लेकर बातचीत हुई है। अगर ऐसा होता है तो बीते 4 महीनों से जो विवाद चल रहा था उसके खत्म होने की संभावनाएं लग रही हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर ट्वीट के लिए चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर न्यायालय की अवमानना का मामला चलाने की मंजूरी दे दी है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को टीवी एंकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाले ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अटॉर्नी जनरल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह समय है कि लोग इस बात को समझें कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से सजा का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कॉमेडियन के ट्वीट न केवल खराब टेस्ट के थे बल्कि यह साफ तौर पर अवमानना के बीच की लाइन को पार कर रहे थे। आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट पर ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान काफ़ी पहले ही जा चुका है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आज देश का सबसे सर्वोच्च चुटकुला बन चुका है। बिहार चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जितने लोकतंत्र पसंद लोग हैं और जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं वो सब बिहार चुनाव के नतीजों से दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मिली हार के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर हर चीज़ का इस्तेमाल करती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, तेजस्वी जीते जीते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं और जिन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है वे सब आज दुखी हैं। भाजपा गठबंधन को महज 13 से 14 हज़ार अधिक वोट मिले हैं और वो तिकड़म के बल पर सरकार बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।